मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों, पेयजल और नरेगा के कार्यों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रभारी सचिव सुबोध अग्रवाल, जिला कलेक्टर जोगाराम और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री धारीवाल ने अधिकारियों से कोरोना संक्रमण में किए गए कार्यों की जानकारी ली, साथ ही उचित दिशा निर्देश भी दिए। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय और प्रभारी सचिव महोदय द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जिसमें जिले के सभी ब्लॉक से अधिकारी भी जुड़े हुए थे और जिला स्तरीय अधिकारी भी थे। विशेष रूप से कोविड को देखते हुए जो तैयारियां की गई, अभी तक की स्थिति है, इसके बारे में समीक्षा ली गई है और जो नरेगा का जो कार्य शुरू की गई उसके बारे में समीक्षा की गई और गर्मी के मौसम को देखते हुए अभी पेयजल की व्यवस्थाएँ और अन्य जो आवश्यक व्यवस्थाएँ उसके बारे में डिटेल में चर्चा की गई। जो अभी तक व्यवस्थाएं जो की गई है उसके बारे में उनको अवगत कराया गया है और कुछ चीज़ें जो स्टेट लेवल पे कोऑर्डिनेशन की थी उसके बारे में भी अवगत कराया गया है। गर्मी के मौसम को देखते हुए जहां पे पेयजल को लेकर के टैंकर इत्यादि की आवश्यकता है उसको भी समय पर लगाने के निर्देश दिए गए। नरेगा योजना में सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए कैटेगरी 4 और अन्य जो कम मजदूरों की संख्या वाले जो कार्य हैं उनको प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी लगभग 38,000 से अधिक की लेबर पूरे जिले में चल रही है, उस लेबर को सभी पंचायतों में शुरू करने के लिए निर्देश दिए।